Good morning, students. Today I will teach you matrices. What is the use of matrices? Now I will discuss on what is the use of matrices. Number one, matrices used in genetics. Number second, economics. Third, industrial management. Fourth, cryptography. And fifth, for system of linear equations. Now I will discuss on some points. First point, introduction. Second point, order of matrices and possible orders. Construction of matrices. Fourth point, types of matrices. And fifth, equality of matrices. For example, we have example. Radha has 10 notebook notebooks and 5 pens. Second, Suman has 8 notebook and 6 pens. Third, Mohan has 5 notebooks and 3 pens. This can be written in the matrix form. This can be written as in matrix form. 10, 5, 8, 6, 5, 3. This is a first row. R1, this is a first row. And this is second row. And this is third row. And this is first column. And this is second column. This example can be written in the matrix form. Now we see that horizontal lines are row and vertical lines are column. First vertical line is first column and second vertical column is second column. And this first horizontal means first row. Second horizontal line means second row, and third horizontal line means third row. This is the introduction of matrices. We see that here, this is a rectangular array. These elements are called integers. These are 8, 10, 8, 5, 6, 3. These are integers. And this is also called elements of matrix. What is the use of matrices? This matrix used for system of linear equations. आपने देखा class 10th में system of linear equations in two variables 2x plus 3y equal 5, 5x plus 2y equal 7. इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 10th में 4 मेथड्स पढ़े हैं. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लेकिन इस क्लास में आप देखेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. और अभी आपको जैसे 2x plus 3y plus 5z equal 6,
3x plus 2y plus 1z equal 5, 4x plus 5y equal 10z equal 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है थ्री वेरिएबल्स को, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस मेथड से हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। दिस मेथड इज वेरी सिंपल फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स आर टू वेरिएबल्स। तो किसी भी टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। हमारा मोटो है कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे थ्री वेरिएबल्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करें, तो इसका यूज यही है, ठीक है। मेन यहां पर 12th लेवल पर, हाई लेवल में जाएंगे जैसे आप बीटेक करेंगे तो वहां पर आपको सिंपलेक्स मेथड ड्यूल मेथड से एक्स वाई जेड की जगह वहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक इक्वेशंस रहेंगे और एन वेरिएबल एंड एन इक्वेशंस रहेंगे और वहां पर मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। तो वो सब बीटेक में पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये हो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड हमारा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट मेरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें आप देखेंगे टू हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो आप यहां लिखेंगे 2 1 2 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, 1 2 3 ये आपके 3 वर्टिकल लाइंस हो गए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, वर्टिकल लाइन 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके 2 क्रॉस 3, 2 आपका होगा रो, नंबर ऑफ रोज, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज दैट दिस मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स को हमेशा ऑलवेज मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2 क्रॉस 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन जनरल फॉर्म a11 a12 a13 up to so on a2n a31 a32 a33 a3n a m1 a m2 a mn, this m cross n order, this is the general form. 1 1 means first row first column, 1 2 means first row and second column, 1 3 means first row third column। सिमिलरली इसमें आप देखेंगे कि m रो है, जैसे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो m रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम n कॉलम, तो m क्रॉस n इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। थर्ड पॉइंट पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए देखिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और इसके द्वारा मैं समझाऊंगा कैसे आपको पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने होते हैं। इफ ये मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स, सपोज करो एक मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसको पहले आप ये देखेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने होंगे, कैसे करेंगे। आप देखिए 12 को लिख सकते हैं 1 12, ठीक है, दिस मीन्स 1 × 12, 12 × 12 1, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 12 × 1। एंड थर्ड पेयर 3 4 4 3, 6 2
2 6। देखिए इतने सारे आप पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए, 12 इंटू 1 12 भी आएगा, 3 4 का प्रोडक्ट करेंगे आप तो 12 आएगा, 4 3 का प्रोडक्ट करेंगे 12 आएगा, और 6 2 का आप देखिए इस तरह से करेंगे तो ये भी 6 2 2 6 4 3 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका इस तरह से पेयर्स बनेगा, ठीक है। तो दीज आर पॉसिबल ऑर्डर पेयर, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स एंड 1 × 12, 12 × 1, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 2 × 6 आर पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इस तरह से आप पॉसिबल ऑर्डर्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेयर फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है उसको आप करेंगे, अभी होमवर्क दिया जाएगा आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मेरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स को बनाएंगे, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर दिया रहेगा। कॉन्स्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवेन बाय ए आई जे, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस 3 जे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस 3 जे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, सपोज दैट -2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 दिस गिव्स 2। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, दिस इक्वल 3। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, दिस मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें यहां पर गिवन है 3 × 2 ऑर्डर, तो लेट इज जनरल, लेट जनरल मैट्रिक्स, लेट ए जनरल मैट्रिक्स ए इक्वल, देखिए यहां पर 3 रो है, ए 1 1 1 2, कॉलम कितने हैं 2, तो आपका 1 कॉलम 2 कॉलम, ये 2 1, ये 2 2, ये 3 1, ये 3 2। तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आपके 3 रो हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 × 2, ठीक है। तो ये आपके 3 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम एक एक एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए a11 मीन्स i इक्वल 1 यहां रखना है, j इक्वल 1 रखना है, 1/2 1 − 3 × 1 1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 − 3, दिस गिव्स 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, दिस गिव्स 2/2 = 1। तो फर्स्ट एलिमेंट्स आप यहां रख लेंगे 1, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 1 2, इसको भी निकाल के मैं आपको बता, देखिए इस तरह से सेकेंड एलिमेंट को निकालेंगे, ये 1 2, आई मीन्स 1, पुट आई इक्वल 1, जे इक्वल 2, 1/2 1 − 3 × 2, 1/2 1 − 6 − 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/2, दिस गिव्स 5/2, तो आप यहां 5/2 रख लेंगे, ठीक है। थर्ड एलिमेंट, फाइंड थर्ड एलिमेंट, a21 1/2, पुट i इक्वल 2, j इक्वल 1,
2 minus 3 into 1. This gives 2 minus 3. Absolute value of 2 minus 3 means absolute value of minus 1. This gives 1 by 2. We can put here 1 by 2. Next element A22. Put here I equal to J equal 2. 2 minus 3 into 2. 1 by 2. 2 minus 6. 1 by 2. Absolute value of minus 4. This gives 4 by 2. Cancel 2. And this can be written as 2. Fifth point A31. Putting here I equal 3 and J equal 1. So 3 minus 3. This gives 0. 0 by 2 equals 0. So this element is 0. Again find A32. Putting here I equal 3 and J equal 2. Here 6. This gives 3 by 2. हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि एलिमेंट्स अगर गिवन है तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। देखिए, इन सब की जरूरत पड़ती है जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो एक एक स्टेप सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर ये निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हाँ, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मेन आप 12th क्लास में 7 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये मेन 7 टाइप्स के मैट्रिक्स आप यहाँ पढ़ेंगे। तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स 1 2 3, दिस इज ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? इफ ये मैट्रिक्स हैज ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 1 2 3 1, दिस मीन्स इसमें सिर्फ ओनली वन रो होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज हियर 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो देखिए 1 2 1 2, इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम है, दोनों सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखेंगे एक ही रो 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 3 रो 1 कॉलम एंड फोर्थ, दिस इज एग्जांपल, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 3 0 0 0 5, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। 1 3 5 इज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड 0 दिस प्लेस दिस एंड दिस प्लेस आर नॉन जीरो डायगोनल्स। 1 3 5 आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सेकेंड है, सॉरी फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल कैसे होगा? सपोज दैट 1 सॉरी 2 0 0
जीरो टू जीरो 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 टू। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल है, ठीक है, टू टू टू, तो ये आपके स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स वन होना चाहिए, ओनली वन, ठीक है। तो ये आपके स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। पर फोर, ये फोर के लिए हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा स्केलर के लिए और ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जी क्या होता है, सेवन नंबर में जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ये आपका वन क्रॉस वन है और ये जीरो 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 टू क्रॉस टू है, तो इस तरह से ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जो आपके सेवन टाइप्स है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए और नॉन जीरो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वन थ्री फाइव ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गए। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे इसमें देखेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल क्यों है। आप सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे इसके ऑर्डर्स, इसके ऑर्डर्स क्या है, टू क्रॉस टू के हैं, ये इसका भी ऑर्डर टू क्रॉस टू का, तो दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसमें भी टू रो टू कॉलम है, इसमें भी टू रो टू कॉलम है, तो ये ऑर्डर सेम है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल फोर हो जाएगा, वाई इक्वल फाइव हो जाएगा, यू इक्वल सिक्स हो जाएगा एंड वी इक्वल टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों इक्वल होंगे, इसके ऑर्डर सेम है।